हेलो दोस्तों, आज हम आपके दिमाग को पांच तरीकों से टेस्ट करेंगे। पहला क्विक थिंकिंग, दूसरा मेमोरी टेस्ट, उसके बाद डिटेक्टिव टेस्ट, फिर कुछ पहेलियां और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखते हैं इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ध्यान रहे, आंसर देखने से पहले आपका आंसर जरूर कमेंट करें। क्विक थिंकिंग पहेलियों के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल, इस पिक्चर पजल को ध्यान से देखिए और बताएं, पांचों में से कौन सा टुकड़ा बराबर उस स्क्वायर में जाएगा तो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, इस पिक्चर में कितने स्क्वायर्स हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है 7। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, अगर मैं इन दोनों फिगर को जोड़ दूं, तो नीचे दिए गए 6 फिगर में से कौन सा फिगर बनेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है बी। आप पॉज करके अच्छे से सोच सकते हैं कैसे। चलिए चौथी पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, इसमें क्या गलत है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है 2। द THE अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दो बार आया है, वो एक ही बार आना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और बताएं, अगर आप इस पिक्चर को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ये। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है ए। सी के बीच में पर्पल है तो वो नहीं है, बी में 3 ऑरेंज है तो वो भी नहीं है, डी में ऑरेंज कम है और पर्पल ज्यादा है तो डी भी नहीं है, और इसका सही जवाब है ए। तो कैसी गई आपकी फास्ट थिंकिंग पहेलियां और कितने सही किए आपने? तो यहां हम फास्ट थिंकिंग पहेलियां खत्म करते हैं और मेमोरी पहेलियां देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब बताएं आपने कौन सा डॉग देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब बताएं आपने कौन सी पेंसिल देखी थी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब बताएं आपने कौन सा कलर का बॉक्स देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
और इनके सही जवाब है, डॉग का ए है, पेंसिल का बी है और कलर का सी है। तो कैसी गई आपकी मेमोरी टेस्ट और कितने सही किए आपने, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अब डिटेक्टिव पहेलियां देखते हैं। एक घर में करीब रात को 8 बजे एक मर्डर हो जाता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल सीन पे पहुंचता है और घर पे उस टाइम पे जो जो रहता है उन सबको बुलाता है। घर पे उस टाइम पे उस आदमी की बीवी, घर की मेड, आदमी का भाई और कुक थे। मेहुल सारी जानकारी लेने के लिए आदमी की बीवी को बुलाता है और पूछता है, उस टाइम तुम क्या कर रहे थे? बीवी, मैं उस टाइम सो रही थी। मुझे ध्यान है कुक उस टाइम खाना बना रहा था, मेड हॉल की सफाई कर रही थी और भैया बुक पढ़ रहे थे। मेहुल थोड़ा सोचा और तुरंत मर्डर को पकड़ लिया। कैसे? मेहुल को कैसे समझा खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है उस आदमी की बीवी। जब बीवी सो रही थी तो उसे कैसे मालूम घर पे कौन क्या क्या कर रहा था? तो क्या आप ये डिटेक्टिव पहेली सॉल्व कर पाए? चलिए अब हिंदी पहेलियां देखते हैं। पहली पहेली, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर डोर नहीं, बांधते हैं पर रस्सी नहीं, बताओ ये क्या है? और इसका सही जवाब है चोटी। सही थी ना ये पहेली? चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए, बताओ ये क्या है? और इसका जवाब सुन के आपको लग जाएगी आग, क्योंकि इसका सही जवाब है आग। तीसरी पहेली बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। बीमार नहीं रहती मैं, फिर भी खाती हूं गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर इसकी बोली, बताओ ये क्या है? और इसका सही जवाब है बंदूक। चौथी पहेली सुन के आपको भूख लग जाएगी, चलिए देखते हैं। काला घोड़ा सफेद की सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। और इसका सही जवाब है तवा और रोटी। चलिए पांचवी और आखिरी पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं? सोचिए सोचिए। और इसका सही जवाब है नक्शा, मतलब मैप्स। तो पांच में से कितनी हिंदी पहेलियां सॉल्व कर पाए आप? चलिए अब आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। इस सीन को देखिए। अगर आपके सामने आपकी मां, आपका डॉग और 1 करोड़ रुपए है और आपको सिर्फ एक को बचाना है, तो आप सबसे पहले किसे बचाएंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप अपनी मां को बचाएं। डॉग्स को हमेशा तैरना आता है तो वो आराम से बच जाएगा। पैसा तो आप लाइफ में कभी भी कमा सकते हैं पर मां नहीं। तो टोटल कितनी पहले सॉल्व किया आपने?